अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा मुदस्सर, तेरे हाथ खाली क्यों हैं? बेगम साहिबा ने कहा कि तुम्हारी माँ 15 दिन से काम पर नहीं आई, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। ऊपर से दुकान वाले ने डांट दिया कि पहले पुराना कर्जा वापस करो। ये लो माँ, दवा खा लो। ना बेटा, सुना है छाती का कैंसर बहुत बड़ी बीमारी। बेटा दवा का क्या फायदा, खाली पेट दवा कोई असर नहीं करती। बस आज का दिन निकाल लो, कल कुछ भी करके अपनी बहन के लिए खाना लाऊंगा। सारी ट्यूब जला दी, तेरा ध्यान किधर है? अरे तेरे बस का काम नहीं है, जा यहां से। माफ कर उस्ताद, भूखा था। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी थे बेटा? वालेकुम अस्सलाम, आज कुछ हुआ बेटा? हाँ माँ, खाना लाया हूँ। तुम तो खाओ बेटा। आप खाए, मैंने खा लिया। रुको बेटा, आज के बाद तुम काम नहीं करोगे। आप स्कूल जाओ, खाना हम पहुंचा देंगे। आज कोई दूसरा काम नहीं, जल्दी जल्दी खाना लगाएं और गैस का खास ख्याल रखें, किसी को भी शिकायत का मौका ना मिले। जी मैम, बिल्कुल ठीक। भाई ये सारा बचा हुआ खाना अच्छे से पैक कर दें। बेटा ये क्या कर रही हो? अपनी खुशियाँ उनके साथ बांट रही हूँ जो ये खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मुश्किल दौर में बहुत से सफेद पोश लोगों के लिए दो वक्त का खाना किसी सपने से कम नहीं। दूसरी तरफ हम अपनी तकरीबात में बहुत सा खाना जाया कर देते हैं जो कि लाखों लोगों का पेट भर सकता है। अहलियाने कराची से गुजारिश है कि आप अपना बचा हुआ खाना अतिया करें और अपने रेस्टोरेंट, फैक्ट्री, सोसाइटी और शादी हाल को फूड सेवर्स के साथ रजिस्टर्ड करवा कर हमारा फ्रिज रखवाएं। इस नेक काम में इनवरक्स दे रहा है साथ, फूड सेवर्स का। आप भी हमारा साथ दें, खाना अतिया करने के लिए रابطہ करें 0300 338 3110।